हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हम इस तरह का सर्टिफिकेट हम बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम इसमें डिजाइनिंग करते हैं, किस तरह से इसमें फॉन्ट लिखते हैं। तो इसे बनाने में एक एक स्टेप के बारे में आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप ऐसा सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारा न्यू अपडेटेड वीडियो जब भी आए आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एमएस वर्ड ओपन कर लेंगे। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग करना है। पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पेज सेटअप में ओरिएंटेड है, इसे कर देंगे हम लैंडस्केप। लैंडस्केप कर दिए। इसका मार्जिन हमें कम करना है तो यहाँ से हम नैरो कर देंगे, इसका मार्जिन कम हो जाएगा। अब इसमें हमें एक बॉर्डर डालना है तो हम इसे थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा पेज ये दिखेगा लैंडस्केप में। अब इसमें एक बॉर्डर डालना है। पेज लेआउट में रहते हुए यहाँ इस ग्रुप में आना है, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में, और यहाँ पर देखिए बॉर्डर का यहाँ ऑप्शन है, पेज बॉर्डर, इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे। बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको स्टाइल, बहुत तरह का स्टाइल यहाँ पर मिल जाएगा। तो जिस तरह का आपको यहाँ पर चाहिए तो उस तरह का यहाँ पर आप ले सकते हैं। हम ये वाला ले लेते हैं, और इसका जो कलर है हम यहाँ से कलर भी ले लेते हैं जैसा हमें चाहिए। तो हम इस तरह का कलर ले लेते हैं, और इसकी जो चौड़ाई है हम 4x1/2 कर लेते हैं। अगर आपको कुछ डिजाइनिंग आर्ट चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ से इस तरह का बॉर्डर आप ले सकते हैं। तो हम नॉर्मली यही रहने देते हैं, उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर शेप लेना है। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके शेप में जाएंगे, और यहाँ पर आपको शेप लेना है। इसमें आना है, बेसिक शेप में आना है, राइट ट्रेंगल ये वाला शेप ले लेना है। शिफ्ट के साथ प्रेस करके इसे इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे, और इसे रोटेट कर लेंगे ऐसे। कलर इसमें फिल करते हैं, इसमें कलर हम फिल कर देंगे, ये कर देंगे, और इसका जो आउटलाइन कलर है उसे हम नो कर देंगे। फिर से हम इसका एक कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और माउस को क्लिक करके ड्रैग करेंगे। देखिए कंट्रोल प्रेस करेंगे, माउस से क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे, तो इस तरीके से ये कॉपी हो जाएगा। फिर से इसका हम कलर चेंज कर लेंगे, इसका कलर हम ये कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसे छोटा कर लेंगे शिफ्ट के साथ पकड़ के, और इसे छोटा कर लेंगे। इसका आउटलाइन जो है, इसका आउटलाइन हम वाइट कर देंगे, और इसका आउटलाइन का जो वेट है वो ज़्यादा हम मोटा कर लेंगे, इतना 6 कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे पकड़ के इसमें एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। अब ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसे ग्रुप करेंगे। तो पहला ये सेलेक्ट रखेंगे एक शेप, उसके बाद आपको कंट्रोल प्रेस करना, फिर दूसरे पर क्लिक करना है। तो क्या होगा, ये दोनों यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर ग्रुपिंग का ऑप्शन है, और यहाँ से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा, नहीं तो आप देखो फॉर्मेट में रहते हुए फॉर्मेट में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर ग्रुप का, देखिए ऊपर में, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब इसे हम ट्रैक करके यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें एडजस्ट कर लिए, आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा इसे। इसे सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कंट्रोल के साथ फिर पकड़ के इसका एक कॉपी कर लेंगे, और फिर इसे हम रोटेट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से रोटेट कर लिए, और इसे भी यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। ये कर लिए। इतना करने के बाद फिर से यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, और एक शेप लेंगे, ये वाला शेप ले लेते हैं, फ्लो चार्ट का जो है ये वाला शेप, और इसे हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए इस तरीके से हम ड्रैग कर लिए, और इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ गए, इसका कलर हम कर लेते हैं जैसे एक था पहले वाला, वो कर लेते हैं, और इसका एक कॉपी करेंगे, इसका आउटलाइन हम कर देते हैं नो, और इसका एक कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ये, और इसका भी आउटलाइन कर देते हैं नो। अब इन दोनों को ऐसे करके हम एडजस्ट करेंगे, देखिए इस तरीके से लगाएंगे, और इसे कर देंगे ग्रुपिंग, इसे ग्रुप कर देंगे, और इसे रोटेट कर देंगे हल्का सा इस तरीके से, रोटेट कर लिए, और इसे पकड़ के हम यहाँ पर लगा देंगे ये। इस तरीके से लगा लिए। फिर इसका हम एक कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल के साथ पकड़ के इसे कॉपी कर लेंगे, और इसे हम यहाँ पर लगा देंगे। अब इस तरह से हम एडजस्ट कर लिए, इस तरह से हमारा डिजाइनिंग तैयार हो गया। इसे हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, इसे रोटेट कर लेंगे हम इधर की,
इस तरीके से। इसे भी हम रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा और इसे एडजस्ट कर लेंगे, इसे भी हम एडजस्ट कर लेंगे कॉर्नर में। ये हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से एक शेप लेंगे। देखिए यहाँ से हम जाएंगे और ये शेप लेंगे स्टार्ट एंड बैनर वाले में, ये वाला ले लेंगे और इसे हम ड्रैग कर लेंगे यहाँ पर। इस तरीके से ड्रैग कर लिए। इसका भी हम कलर जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख लेंगे, ऐसा रखना चाहते हैं तो ऐसा रख लेंगे। उसके बाद इसमें भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर इसके अंदर। अगर आप यहाँ पर कोई शेप ड्रॉ करते हैं अगर वो मूव नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, वो शेप को सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे, टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किएगा तो वो क्या होगा, फिर मूव होने लगेगा। इसका भी हम कलर यहाँ पर शेप में जाके इसका कलर हम ये कर देते हैं और इसका आउटलाइन हम कर देते हैं नो, और वो नीचे वाला शेप का भी आउटलाइन कर देते हैं नो। अब दोनों को कर देते हैं ग्रुप कंट्रोल के साथ, इसे भी पकड़ के और इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ कर देंगे ग्रुप। ग्रुप होने के बाद इसे हम एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ लगा देंगे। इसे और छोटा करना चाहते हैं छोटा कर लेंगे इसे इस तरीके से। अब ये हमारा देखिए सर्टिफिकेट का फ्रेम जो है वो यहाँ पर तैयार हो गया। अब इसमें सिर्फ टेक्स्ट हमें क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा फॉर्मेट में, या तो आपको इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ शेप में जाके यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिएगा और यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर देना। इसके बाद इसके अंदर लिखना है सर्टिफिकेट और इसे सेलेक्ट करेंगे और इसमें फॉर्मेटिंग करेंगे, इसका फॉन्ट जो है वो बड़ा कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद इसका जो स्टाइल है वो चेंज करेंगे, हम ये स्टाइल के रखना चाहते हैं तो ये रख लेंगे, बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर लेंगे, नहीं तो ये नॉर्मल रहने देंगे। उसके बाद इसे हम बीच में कर देंगे बॉक्स के बीच में, यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा बॉक्स के। अब देखिए क्या हो रहा है, ये शेप जो है ये शेप में देखिए कलर फिल है, जहाँ पे किसी शेप के ऊपर में है तो उसे क्या कर रहा है, ढक दे रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस शेप को सेलेक्ट रहने देना है और आपको जाना है फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पर शेप फिल में जाना है और यहाँ कर देना है नो फिल। और फिर से शेप आउटलाइन उसी के नीचे है उसमें भी कर देना है नो आउटलाइन, तो इस तरीके से ये यहाँ पर हट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे एक सेंटेंस लिखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद देखिए सेम जो ये फाउंट है उसी का कर्सर यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद यहाँ देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग आपको मिलेगा। यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ पर करेंगे तो देखिए वो कर्सर फिर से सेम जैसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट रहता वैसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सेंटेंस टाइप करना है जो मैं पहले से लिख के रखा हूँ, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, दिस सर्टिफिकेट इज़ प्रेजेंटेड टू, और इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल बी से। फिर इसे सेलेक्ट कर लेंगे, इसे सेलेक्ट कर लिए, इसका फॉन्ट थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, इसका फॉन्ट लाइट रखना चाहते हैं कैलिब्री रखना चाहते हैं तो उस तरीके से हम रख लेंगे, कैलिब्री हम रख देते हैं और इसे भी हम सेंटर में कर देते हैं, यहाँ से सेंटर कर दिए। अब जिसे देना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर हम टाइप करेंगे, तो फिर से इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर नाम हम टाइप कर देंगे जिसे देना है यहाँ पर, और इस जो नाम के फॉन्ट है इसे हम बड़ा कर लेंगे और इसके स्टाइल को हम चेंज कर लेंगे यहाँ ये रख लेते हैं, और इसके फॉन्ट के कलर को भी हम चेंज कर देंगे जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख लेंगे। आपको जैसा पसंद है ऐसा कलर रखना चाहते हैं तो ऐसा रख लेंगे, ऐसा चाहते हैं तो ऐसा रख लेंगे। इस फॉन्ट को और बड़ा करना चाहते हैं और बड़ा कर लेंगे, लेकिन हम इतना ही रहने देते हैं ये ठीक लग रहा है। इतना होने के बाद फिर से इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करने के बाद फिर से हम कुछ टाइप करके रखे हैं तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन, मतलब कि कौन से कोर्स में वो ये सर्टिफिकेट अचीव कर रहा है, तो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को और इसकी जो फॉन्ट है उसे हम छोटा कर लेंगे, छोटा कर लिए और छोटा करेंगे और इसका जो कैलिब्री हम कर लेंगे इस तरीके से, फॉन्ट और बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर लेंगे, इतना रहने देते हैं। इसका जो कलर है वो हम ब्लैक ही रहने देंगे इस तरीके से। कौन से कोर्स में ये सर्टिफिकेट मिल रहा है तो उसे हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, तो यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे
इसका जैसा हम फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं वैसा हम रख लेंगे। देखिए यहाँ से, तो आप ऐसा फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं तो यही रख लेंगे। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट जो है थोड़ा बड़ा कर देंगे इस तरीके से ना। कलर जैसा रखना चाहते हैं आप उस तरीके से कलर रख लेंगे यहाँ पर। देखिए इसे बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर लेंगे। अब किस डेट को ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट लिखेंगे यहाँ पर। अब इसे भी हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसे सेंटर में कर देंगे। इसका इसे हम बोल्ड कर देंगे थोड़ा, तो फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देंगे हम तरीके से। कलर हमें जैसा रखना चाहते हैं वैसा हम रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टर का सिग्नेचर हम देंगे नीचे, इंटर करेंगे और इंटर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ डायरेक्टर। अब इसका हम फॉन्ट जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख लेंगे, इसका कलर जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख लेंगे, इसे बड़ा करना चाहते हैं बड़ा या ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसे बोल्ड रखना चाहते हैं तो बोल्ड ही रख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, शेप में और ये वाला लाइन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से रख के और शिफ्ट प्रेस करके आप इसे ड्रैग करेंगे तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। इस तरीके से ड्रॉ कर लिए। अब इसकी आउटलाइन कैसा रखना चाहते हैं, इसका जो साइज है जैसा रखना चाहते हो वैसा आप रख सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसका साइज रख लिए। इसका कलर हम भी रखना चाहते हैं तो कलर भी हम रख लेंगे इस तरीके से। हम चाहते हैं डेट का जो है, डेट का ये जो है इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं तो इस तरीके से। तो इस तरीके से आप सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं। अब चाहते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर में लिख सकते हैं आप। यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे आपको जो लिखना है। जैसे हम लिख देते हैं तो हम लिख दिए विपिन कंप्यूटर सेंटर, इसे सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से हम इसका फॉन्ट बड़ा कर लेंगे, इसे सेंटर में कर देंगे। इसका फॉन्ट जैसा रखना चाहते हैं वैसा हम रख लेंगे। देखिए इसका कलर जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख लेंगे तरीके से। और उसके बाद यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे और जो शेप का है इसे नो फिल कर देंगे, आउटलाइन है इसे भी हम नो फिल कर देंगे। अब ये हो गया और इसे एडजस्ट कर देंगे जहाँ हमें रखना है। और यहाँ देखिए कुछ नीचे इसका लाइन आ रहा है रेड रेड, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से इग्नोर ऑल कर दीजिए। प्रशांत में भी आ रहा है तो इस पर भी राइट क्लिक करना है और यहाँ से इग्नोर ऑल कर देना है। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं सर्टिफिकेट। तो आशा है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद।